हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज फ्रेंड्स आपसे डिस्कस करने वाले हैं श्रम विभाग में चलने वाली योजनाओं के बारे में, उसमें क्या क्या योजनाएं हैं और आप इसका आवेदन कैसे और किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। और साथ ही जानेंगे हम कि जो लोग पहले से पंजीकृत हैं और दोबारा पंजीयन नहीं हो पा रहे हैं और साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन नंबर उन्हें पता नहीं है, किस प्रकार से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को वो प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को खोज सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है यूपी श्रम विभाग के सबसे ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जहां फ्रेंड्स आपको रजिस्ट्रेशन करने का और साथ में आपको रिन्यूअल करने का स्कीम्स का तीन कॉलम मिल जाता है। यहां पे आपको यहां पे सबसे पहले हम बताएंगे कि कैसे अपने रजिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड किया जाएगा, किस प्रकार से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त करना है। आपको यूपी श्रम विभाग में चलने वाली 7 योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको स्कीम एंड एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना होगा। जहाँ पे क्लिक करते ही आपको सिंपली कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड नज़र आएगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपने मंडल को चुनना है और साथ ही अपने आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर डाल देना है जो कि BOCW साइट पे पंजीकृत हो, और साथ उसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पे आवेदन पत्र खोले बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और इसके बाद जो व्यक्ति अपना पंजीयन संख्या जानना चाहते हैं, जिन्हें अपने आवेदन संख्या को पता नहीं है, पंजीयन संख्या वह नहीं जानते, तो सिंपली इसे बैक आकर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर वापस आ जाना है, जहां से आप वर्कर कॉलम में जाके गेट योर एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर यहां से आपको मिल जाता है कॉलम, जिस पर क्लिक करते ही आपको सिंपली कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होकर आता है, जहाँ सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड का नंबर और साथ ही मोबाइल नंबर दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहे तो आधार कार्ड नंबर डाल के ही से सर्च मार सकते हैं या तो मोबाइल नंबर डाल के सर्च मार सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं और सिंपली सर्च बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके नंबर पर एक OTP जाता है जो कि यहाँ पे एंटर करना है आपको। देन इसी बाद OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई कर देना है, जिससे आपका पंजीयन संख्या आपको खुद सामने निकल कर आ जाता है और आपको पंजीयन संख्या मिल जाता है। साथ ही फ्रेंड्स बताना चाहेंगे, जो लोग इसमें पंजीयन नहीं है, पंजीयन करना चाहते हैं, वह हमारी यूपी श्रम में रजिस्ट्रेशन करने वाली वीडियो को ज़रूर एक बार देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख के अपना पंजीयन कर सकते हैं। देन आते हैं स्कीम्स एंड एप्लीकेशन पर, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मंडल चुन लेना। मंडल चुनने के बाद आपको पंजीकृत आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है और साथ ही अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर को भी यहाँ पे आपको सिंपली एंटर कर देना है और आवेदन पत्र को सिर्फ खोल देना है। सिंपली आपको खोले बटन पे क्लिक करके आवेदन पत्र को अपने खोल देना है। आवेदन पत्र खोले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके नंबर पे एक OTP जाता है, जिसे यहाँ पे डालकर प्रमाणित करना होता है। आपने OTP एंटर किया और साथ ही इसमें ग्रीन बटन पे क्लिक करके प्रमाणित कर सकते हैं। यदि आपके OTP नहीं आता है तो पुनः OTP भेजकर भी आप दोबारा से OTP आप मंगा सकते हैं। तनिए हमारा OTP वेरीफाइड हो चुका है, जिससे हमारा पंजीयन लाभ हेतु खुल चुका है, जिससे हम अपनी योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन पत्र हमारा खुल चुका है। हमारा यहाँ नाम और आपके पिता का नाम, साथ में आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों यहाँ पे आ जाता है। आप किस योजना का नाम लाभ लेना चाहते हैं, यहाँ पे इस योजना का नाम आ जाएगा, जहाँ फ्रेंड्स क्लिक करते ही सारी योजना यहाँ पे आपके सामने आ जाती हैं। बात करते हैं योजनाओं के बारे में। जैसे ही आप योजना के नाम पे क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पे कई सारी योजनाएं मिलते हैं, जैसे कि गंभीर बीमारी योजना और साथ ही मेघावी छात्र पुरस्कार योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रणयन योजना और साथ ही पुत्री का विवाह हेतु योजना, सौर ऊर्जा सहायता योजना, आवास हेतु, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे शौचालय सहायता योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका आवेदन आप यहां से कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें लगने वाला क्या क्या। फ्रेंड सिंपली हमने यहां पे गंभीर बीमारी सहायता के लिए यहां पे क्लिक किया है तो यहां पे श्रम परिवर्तन अधिकारी का नाम आ जाता है और साथ ही आपके खाता संख्या आ जाता है जो आपने यहां पे एंटर किया, रजिस्टर्ड किया है। FC कोड आपको सिंपली यहां पे मिल जाता है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको इसका योजना लाभ लेने के लिए इसका संक्षिप्त विवरण देना पड़ेगा कि किस प्रकार से क्या क्या घटना है या क्या किस प्रकार से आपको साथ ये घटना घटी है। आपको अपनी बीमारी का यहाँ पे आपने बीमार होने का पूरा विवरण देना होगा। संलग्न की बात की जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे निर्धारित प्ररूप जो कि सक्षम मुख्य चिकित्सक अधिकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रशासनिक प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि यहाँ पे अपलोड होगा, और साथ में आपने दवाइयों के ऊपर कितना खर्च किया है, कितना बिल बना हुआ है, बिल वाउचर आपको यहाँ पे अपलोड। अविवाहित पुत्री या 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र है तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकरण श्रम विभाग में होना प्रमाण पत्र प्ररूप 3 आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा कि वह श्रम विभाग में पंजीकरण है
अथवा नहीं है तो उसका प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिससे आप सबमिट करके वेरीफाई बटन पे सबमिट करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड आइए जानते हैं मेधावी छात्र के लिए यहाँ पे क्या क्या लगने वाला है। देन जैसे ही आप मेधावी छात्र बटन पे क्लिक करते हैं योजना के लिए, सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे संयुक्त विवरण मिल जाता है आपको फिर से उसी प्रकार का, और साथ ही कोर्स में जो आपने फीस शुल्क जमा की है उसका रसीद मिल जाता है, और साथ ही प्रधानाचार्य द्वारा फोटो युक्त आवेदन स्वीकार होंगे, यही प्रमाणित फोटो युक्त आवेदन ही स्वीकार होंगे जहाँ पे इसको लाके आपको अपलोड करना होगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कक्षा 5 और कक्षा 8 के संबंधित प्रमाण पत्र जिला बेसिक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर ही स्वीकार किए जाएंगे, जिस प्रमाण पत्र को भी यहाँ पे आपके लाके अपलोड करना होगा। देन उसके बाद लास्ट वाला पड़ता है स्टेप आपका आवेदन पत्र के साथ पुत्र या पुत्री आगे शिक्षित रहने के प्रमाण पत्र जो कि संबंधित विद्यालय द्वारा निर्गत होंगे, प्रधानाचार्य द्वारा इसे प्रमाणित करना होगा, उनके साइन होंगे जो कि मूल रूप से संलग्न किए जाएंगे, यहाँ पर आपको इसको अपलोड करना बहुत ही आवश्यक है। प्रकार से जानते हैं सौर ऊर्जा सहायता योजना में क्या क्या लगने वाला है, क्या होगा और किस प्रकार से इसमें क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं। हाँ फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा सहायता हेतु यहाँ पे आपका श्रम परिवर्तन अधिकारी का नाम आता है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे शुल्क देखने को मिल जाता है जो कि 250 रुपीज़ का है, यहाँ पे 250 रुपये का आपको शुल्क देना होगा और निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र को यहाँ पे संलग्न के अपलोड करना होगा और साथ में संक्षिप्त विवरण देगा। निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र किस प्रकार से बनता है फ्रेंड्स, कि कहाँ से यहाँ आपको मिल जाएगा, इसकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे फ्रेंड्स। इसी प्रकार से एक योजना और है जो कि शौचालय सहायता योजना है, कि प्रधानमंत्री द्वारा दी गई शौचालय सहायता योजना में कुछ परिवार कुछ लोग छूट गए हैं, जिसका आवेदन आप यहां से कर सकते हैं। यहां से आप अपना आवेदन करके शौचालय को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पे आपको संक्षिप्त विवरण देना होगा और साथ ही निवास प्रमाण पत्र जो कि सत्यापित प्रति होगी, आप ऑनलाइन निवास भी यहां से बनवा सकते हैं, और भूमि के सत्यापित अभिलेख जो कि यहां पे अपलोड किए जाएंगे जहां पे आपको अपने शौचालय का निर्माण करवाना है। आपको शपथ पत्र यहाँ पे लगाना है जो कि आप तहसील से मिल सकता है, आपके अपने ब्लॉक से मिल सकता है, जहाँ से आप बनवाकर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और इस प्रकार से अपनी योजनाओं का आवेदन और इसका लाभ ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, और कोई दिक्कत हो, कोई आवेदन करने में कोई समस्या आ रही हो, वह भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पे अगर नए हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।